देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार? बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत के किले को साधने के लिए एक ऐसा प्रयास किया कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। 131 सीटों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई। वो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो दिग्गज नेता जो कि दक्षिण भारत में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, तो शिवराज सिंह चौहान आखिरकार क्या कमाल करेंगे। कुछ ऐसा ही अब प्रतीत होता हुआ नजर भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में अधिक फोकस करती हुई नजर आ रही है। बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ जनप्रचार और रैलियां की। लिहाजा दक्षिण भारत का किला भाजपा के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान इन दिनों तमाम सुर्खियों से नदारद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये खबरें सामने आई कि दोनों के बीच रिश्ते काफी मधुर अब नहीं रहे हैं। 2023 में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मेहनत शिद्दत से यहाँ पर पार्टी के लिए कार्य किया और वह जीत दिलाने में यहाँ पर कामयाब हो पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को कुर्सी सौंप दी जाती है। लिहाजा उत्तर भारत की तमाम रैलियों से, प्रधानमंत्री के मंच से शिवराज सिंह चौहान नदारद और गायब नजर आ रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए तमाम यहाँ पर जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी उन कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई थी और ऐसे में शिवराज एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। MP कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब राजनीति में एक ऐसे पुराने खिलाड़ी बन चुके हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान को क्या कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।